सर वो क्या है, चल जहाँ के जा पे सकते ऑडिशन दे हो। तो पूरा एक एरिया है या क्या, मतलब किधर कर एरिया रहे नहीं, हो? इट्स लाइक अभी मुंबई हब है यार, मुंबई इज द लैंड ऑफ बॉलीवुड। सो अभी जैसे अंधेरी हो गया, बांद्रा हो गया, ये सारी जगहों पे होता रहता है, वर्सोवा, आराम नगर, आज़ाद नगर जो भी है, आई डोंट नो, ये सब जगहों में बहुत कुछ होता रहता है, लाइक ओशीवारा साइड। तो ये द सेटअप इज़ ओवर देयर, मड आइलैंड में भी, आई थिंक इट्स ऑल ओवर मुंबई, आई एम नॉट, यू नो, बोरिवली में भी है बहुत सारे ये। बट माई पॉइंट हियर इज़ कि एवरी थिंग इज़ क्लोज नेट, एवरी थिंग इज़ कनेक्टेड, सो मेक श्योर दैट ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, बी योर सेल्फ, डोंट, किसी को अपसेट नहीं करना यार, लाइट दादा को भी अपसेट मत करना। द थिंग इज कि सी अ लॉट ऑफ पीपल जो आते हैं, यू नो, स्ट्रगलर्स एंड लाइक, आई मीन, पर उनमें मैं क्यों भी इतनी स्ट्रगलर हूँ फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? उनको पता है कि उनको आसानी से काम नहीं मिलेगा। यार, क्योंकि अभी देख मैं उनके मेंटालिटी में जा नहीं सकता, बट एक चीज़ है, बिकॉज आई एम अ स्ट्रगलर, आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, एंड मैं वहीं से, यू नो, आई हैव गॉट फ्रॉम, यू नो, फ्रॉम स्क्रैच। मैं एक चीज़ बोलूँगा, वो फ्रस्ट्रेशन इस बात की होती है कि हमें और कुछ आता ही नहीं है लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम फिल्म मेकिंग, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, हमें और कुछ दिखता ही नहीं है ब्रो, लाइक वी लाइक यही करना है, लाइक दिस इज लाइफ ऐसा, और यही नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या है, लाइक, यू हाँ, नो, जैसे कि व्हाट मतलब कुछ लोगों को मतलब MBA करने के बाद जॉब नहीं मिलती, वो ऐसी फ्रस्ट्रेशन होती है कुछ लोगों को। फ्रस्ट्रेशन, एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स इन एवरी फील्ड, यू नो, कि यार मैं MBA कर चुका हूँ, MBA वाला चाय वाला बन गया। उसने नहीं किया था MBA भाई साहब, अच्छा, उन्होंने ओके, नहीं सो किया था। माय बैड, बट जो भी है, यू नो, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव लाइक मल्टीपल डिग्रीज एंड दे स्टिल जॉबलेस, बिकॉज इट इज लाइक दैट, मतलब सिचुएशन इज लाइक दैट। मैं ज्ञान नहीं दे रहा, बट इट्स लाइक, इट्स जस्ट कि आई थिंक एक्टर्स आर ऑल्सो इन दैट पूल ऑफ पीपल वेयर, यू नो, इतने बतेरे लोग आते हैं एक लाखों साथ, आते हैं। लाखों आते हैं, लाखों आते हैं एक रोल के ऑडिशन के लिए, और उसमें से समटाइम्स इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड, समटाइम्स, यू नो, चलो, सो इट्स अ लिटिल डाइसी, इसीलिए, यू नो, दैट फ्रस्ट्रेशन तो होती है यार। एंड तो आपका जितना भी तक एक्सपीरियंस रहा है, तो आप उस हिसाब से बता सकते हो, आपको बताओ कि कास्टिंग वाले किसको रिप्लाई नहीं करते, जो ऑनलाइन ऑडिशन के अपन वो जो देते हैं प्रोफाइल वगैरह जो भी सेंड करते हैं, आई डोंट नो, बट किसको रिप्लाई नहीं मिलता और किसको मिल जाता है? सो एक चीज़ है, योर प्रोफाइल शुड बी कंप्लीट, कंप्लीट एज इन मतलब कंप्लीट क्या एज क्या होना इन चाहिए उसमें? क्या क्या होना चाहिए, मैं बताता हूँ। यू नीड टू हैव योर लुक्स, मतलब जो फोटोज होते हैं, जो अभी, ओके, द बेसिक थिंग, द फर्स्ट थिंग, जो कास्टिंग भेजते हैं ना, वो एक रिक्वायरमेंट भेजेंगे कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए। अगर तुम वो फॉलो नहीं करोगे और कुछ भी भेज दोगे, ऐसे ही अपना प्रोफाइल भेज दोगे, कुछ भी ऐसे भेज दोगे, दे वोंट इवन लुक एट यू, दे बी लाइक, यार, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, एंड दे लाइक, ही हैजंट फॉलोड व्हाट उस आई कारण से कोई वांटेड। ब्लैकलिस्ट हो सकता है? ब्लैकलिस्ट का तो उसमें चांस नहीं है, बट दे वोंट टेक यू सीरियसली, सो तो कोई फुकरा आ गया ऐसे। हाँ, ऐसे ही लाइक, ये देख भी नहीं रहा है मैसेज, यार मेरा मेरा रिक्वायरमेंट ही नहीं देखा है इसने अभी। सो अगर तुम रिक्वायरमेंट ही नहीं देखोगे और ऐसे ही कुछ भेज दोगे, सो ऑब्वियसली दे बी लाइक, यार ये पागल क्या है, पागल है क्या, चूत मतलब क्या क्या मतलब है, लाइक अगर तू मेरा रिक्वायरमेंट ही नहीं देख रहा है और तू ऐसे ही भेज रहा है, तो डेस्परेशन कंट्रोल कैसे करें एज एन आर्टिस्ट? आपको एक्सपीरियंस पेशेंस, है ना आपके पास? हाँ, पेशेंस, डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट टाइम यार। मैं एक चीज़, लाइक, यू नो, माई मॉम एंड डैड ऑल्सो टेल मी, टाइम जब सही होगा ना तब सही होगा, लाइक सब सही होगा, यू टेक योर टाइम यार। ये, यू नो, एस इतना प्रेशर हो जाता है ना कि सबको लगता है कि यार फक, मैं लेट हो गया यार, फक, मैं नहीं कर पाऊंगा, अब सब मार गया यार, लेट हो सब, गया मतलब? लाइक, यू नो, सम मैं आई टेल यू माय, ये कि मुझे ऐसा लगता था, अभी भी कभी कभी लगता है कि, यू नो, मैं इंडस्ट्री में थोड़ा लेट घुस रहा हूँ, या फिर मैं इतने साल से कर रहा हूँ पर मेरा कुछ हो नहीं रहा है, या ऐसा ये वो। इट्स ओके मैन, यू नो, जब इफ़ यू नो दैट यू आर मेड फॉर समथिंग, इफ़ यू नो दैट यू कैन डू इट, इफ़ यू नो दैट यू आर टैलेंटेड, नो वन इज गोना स्टॉप यू, देर इज नो फोर्स दैट दैट कैन स्टॉप यू। एंड माई मेरे मॉम डैड हमेशा, यू नो, दे ऑलवेज टेल मी कि देर इज ऑलवेज टाइम, एंड यू नो, यू टेक योर ओन टाइम, आराम से जाओ यार, मतलब डोंट हरी। और जो द थिंग दैट यू टोल्ड मी, हाउ टू कंट्रोल दैट डेस्परेशन, इट्स पेशेंस एंड डिसिप्लिन यार, मतलब यू कीप गिविंग ऑडिशंस, कीप मीटिंग पीपल। There is one thing, your network is your net worth. This is what I've learned. कौन सी बुक से छापा आपने ये? ये मेरे को, I'll tell you. So ये देख लो। You know, I'm an actor. I have to put it out. So
मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं आगे का भी ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे पास, बोलो। तो उनके मैं IIDE से कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, तो उनके जो ओनर है, द फाउंडर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, ही सेड दिस दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सो आई दैट वाज इट रेजोनेटेड विद मी सो स्ट्रांगली, आई वाज लाइक फक यार, आई मीन दैट्स एक्चुअली ट्रू, बिकॉज in the film industry, the more people you meet, the more people you interact with, tab jaake, you know, you make contacts and then you start getting work, because aise hi nahi milta hai kaam. You need to meet people, you need to establish yourself, you need to put yourself in front. Jo dikhta hai wo bikta hai, that's a very common saying in the film industry. So you have to put yourself in front. Abhi you have to go out of your way to meet people, to talk to people, tab jaake ek hai chocolate khao ho. अरे यार, डाइट पे वो मेरे को चॉकलेट खिला रहे हैं, देख लो यार। कास्टिंग वाले कभी पैसा मांगते हैं एजेंसी? नहीं, आई टेल यू, मेंबरशिप का पैसा मांगते हैं 3-6 महीने का, तो क्या बहुत अच्छा है यार। अच्छा है ना, एक और ले लो भाई तुम। डाइट चॉकलेट पे चाय पी रहे यार। इतनी पूकी तो वो भी नहीं थी पूकी। अमेरिकनों के साथ केक खाया करो, वो ज्यादा बेटर है। अमेरिकानो ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी होती है वो, मेरे को आज पता चला है। एक जगह पढ़ के आ गया, हम लोग गए थे कुछ काम से जू अर्थ कैफे, देखा फिर हमने अपना जेब देखी। चलो बताइए, मेंबरशिप अगर लेनी चाहिए कि नहीं कास्टिंग? नहीं नहीं, आई टेल यू वन थिंग, व्हेन यू आर गोइंग आउट एज एन एक्टर यू शुड नेवर पे फॉर एनीथिंग। Anything, कुछ भी नहीं। Nothing, zero, zero, absolutely zero. There is no registration fee. That is all bullshit. I'm telling you all. मैं एक बंदे से मिला था, वो कह रहा था कि अगर acting school जाते हैं वहाँ पे भी हमसे पैसा मांगते हैं, तो अगर ये पैसा मांग रहा तो क्या गलत है? ये बेवकूफ जैसी बात है। कौन है? आज आने वाला था, पीटते आप होते तो। Okay, see, मैं एक चीज बोलूंगा, कभी भी किसी को पैसा नहीं देना है, किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं देना। ऑडिशन फ्री होते हैं, ठीक है। कोई कास्टिंग एजेंसी अगर मेंबरशिप मांग रही है तो फिर वो चूत है। पर उनका मतलब उनकी लिविंग चल रही है उससे, मतलब उनकी चल रही है, बिकॉज़ भाई लोग पैसे दे रहे हैं। आई टेल यू वन थिंग, देयर आर थाउजेंड्स बेंच लैक्स, मतलब एक लाख से कोई एक एक्स अमाउंट मांगा 10,000, तो 10,000 लाख रुपए उनको मिलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट द थिंग इज कि देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल कमिंग टू एक्सपीरियंस दिस इंडस्ट्री, राइट। अभी सबको नॉलेज नहीं है, सब इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, सबके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है। पर कोई अगर अपना इंस्टा आईडी दिखाए कि इन लोगों के साथ मैंने काम किया है, तो ये सब पेड़ हो सकते हैं? ये सब पेड़ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इट्स एन एडवर्टाइजमेंट। गूगल रिव्यूज कैन बी बॉट 100%। आई कैन लिटरली बाय अ रिव्यू राइट नाउ ब्रो। एवरीथिंग इज कलयुग है, बट द थिंग इज, मेरे को ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू गिव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, बट मैं एक चीज़ हमेशा, लाइक यू नो, आई टेल यू वन थिंग, यू शुड नेवर पे एनीवन, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फी, देयर इज नो मेंबरशिप फी, ये सुन लो सब लोग, ये सब बिल्कुल भी नहीं देना। एग्जैक्टली, दिस इज बुलशिट। जो जेन्युइन प्रोडक्शन होते हैं, दे डोंट आस्क यू फॉर मेंबरशिप फीस। आपका काफी नुकसान हुआ है? हाँ, मेरा काफी नुकसान हुआ है पैसे वाइज का, लाइक पर आपने पैसे दिए क्यों? बिकॉज मेरे को तब पता नहीं था ना, आई वॉज अ किड यार, आई वॉज, दिस इज बिफोर पैरिस, बिफोर लॉस एंजलिस, बिफोर एवरीथिंग। Before बच्चे थे क्या? मतलब आई वाज 17। हाँ, 12th स्टैंडर्ड में थे। हाँ, नहीं, आई पास्ड आउट 12th एंड अनुपम खेर के बाद, यू नो, मेरे को इंडस्ट्री का कुछ नॉलेज नहीं था, मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था, ज़्यादा लोग क्या, किसी को नहीं जानता था, तो यू नो, आई यूज्ड टू लुक अप ऑन गूगल एंड आई यूज्ड टू गो। मैं पूछ रहा था कि लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट थॉट्स क्या है आपके, मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे सबको जो भी शुरू कर रहे हैं, कि सच में लेट हो गया उनको जो उनको लगता है, या ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलते नहीं है? ऐसा देख भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। इट्स नेवर टू लेट टू गेट इनटू आर्ट, इट्स नेवर टू लेट टू बी एन आर्टिस्ट, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग, इन फैक्ट नॉट जस्ट इन आर्ट्स और नॉट जस्ट इन एक्टिंग और म्यूजिक, इन एनी फील्ड इट्स नेवर टू लेट, यू कैन बी एनीथिंग यू वॉन्ट एट एनी एज। जैसे KFC के ओनर ने 60s में शुरू किया। एग्जैक्टली, बहुत लोग ब्रो, I'm telling you guys, a lot of people told me, you know, I could never become an actor, I could never do anything in life, I don't look like an actor, kuch bhi nahi kar sakta, ye wo, bahut log honge, bahut log aaye hain, they've tried to, you know, literally
you know, dragged the shit out of me. But your ambition is always bigger than their opinions. ये किसी के साथ छापा नहीं है मैंने, this is my own thing. हाँ ठीक है. ये मेरे आर्टिकल में भी लिखा है मैंने. हाँ वो मैं शायद पढ़ा. हाँ वही पढ़ा होगा. आपने अपने आर्टिकल से ही छाप लिया. तो थैंक यू सो मच फॉर फीचरिंग ऑन द हाउस शो. थैंक यू गाइस. सब्सक्राइब कर दो. मैं सब्सक्राइब करने का बोलूंगा नहीं कि मजा नहीं आता, फिर भी करना है कर दो, नहीं करना मत करना. लेकिन मजा आपके साथ बात करके. थैंक यू. बकचोदी मस्त हुई. अपने बिस्किट खाए नहीं आपने, चॉकलेट खाई. आइस टी कैसी थी? मैं अभी तक अभी थोड़ी अभी है.